धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी ओपी शुक्ला हिंदी डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय आपकी आज्ञा से 3 दिनों से जो बहस रेलवे पर हो रही है उसका उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ विराम, इसलिए समय आने पर आज उत्तर देने की आज्ञा आपने मुझे दी है। इस बार के बजट पर कुछ विशेष बातें देखने में आई। एक बात तो यह देखने में आई कि इस बजट का उत्तर दूँ तो क्या दूँ। जो बहस हुई उसमें विरोधी दल ने कोई हिस्सा नहीं लिया, शायद उन्हें विरोध करने के लिए कुछ नहीं मिला या उसका मौका नहीं मिला विराम। एक दूसरे ढंग से उन्होंने समर्थन प्रदान किया। अभी माननीय सदस्य महोदय ने जो अन्य कुछ बातें कहीं उनसे मैं सहमत हूँ। आपने भी बोला था आपकी सुंदर वाणी सुनने का मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन मुख्य रूप से जिस दिन बजट का विरोध करने के लिए विरोधी दल के नेता खड़े हुए तो पीछे से सारे उनके समर्थक चलते बने विराम। अकेले वही खड़े रहे और बोले, आपको स्मरण होगा मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया विराम। पैरा। जो बहस रेलवे बजट पर 3 दिन हुई, इधर के हमारे साथियों ने उस समय का सदुपयोग किया। एक सज्जन केवल विरोधी दल की ओर से कुछ विशेष रूप से बोले विराम, वे आज यहाँ नहीं हैं, फिर भी उनका पूरा का पूरा जो भाषण था अब मैं उसका उत्तर देने की चेष्टा करूँगा। साथ ही इसके पहले मैं उन सब लोगों को धन्यवाद दूँ जिन्होंने इस बजट के ऊपर अपने विचार रखे। ऐसे लोग जिन्होंने इस बजट का स्वागत किया और बड़ी उदारता के साथ इसका समर्थन करने की कृपा की, अपना सहयोग प्रदान किया, उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। पैरा। श्रीमान। इधर के लोग बोले, इसलिए दो तरह की बातें कही गई। एक तो कुछ नीति संबंधी बात कही गई और दूसरे कुछ सुझाव दिए गए। हमारी व्यवस्था में प्रबंध में कहीं कुछ त्रुटि है, क्या होना चाहिए इसके संबंध में कुछ सुझाव दिए गए। कुछ सदस्यों ने सुझाव देते हुए अपने प्रदेश अर्थात अपने निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भी कुछ बातें कही। मैंने देखा कि दो तरह की बातें कही गई, एक तो नीति संबंधी और दूसरी सुझाव संबंधी विराम। सुझाव संबंधी जो बातें कही गई उनका बहुत कुछ उत्तर हमारे साथी माननीय सदस्य ने दे दिया विराम, इसलिए मैंने
सोचा है कि उन्होंने कुछ बातों की चर्चा करके एक तरह से मेरा बोझा बहुत हल्का कर दिया है, पूर्णविराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की ओपी शुक्ला की हिंदी डिक्लेरेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्लेरेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।